मेरे हिसाब से कांग्रेस की बढ़नी चाहिए सर, कांग्रेस का बिल्कुल एक तरफा। अब ये बार देखा जाए तो ज्यादा दबदबा बीजेपी उसका चल रहा है, कांग्रेस का। कांग्रेस का चल रहा है, कांग्रेस का है भाई, कांग्रेस का है, कांग्रेस का भाई, कांग्रेस का है। हाँ जी, कांग्रेस की सरकार सही लगे? कांग्रेस की चल रही है, हरियाणा में कांग्रेस आ जाए तो सही है भाई सर। कांग्रेस सरकार किसकी बनाई भाई? कांग्रेस की बढ़ना चाहिए, कांग्रेस की बढ़नी चाहिए। एक तरफी कांग्रेस है भाई, एक तरफी कांग्रेस है। हाँ भाई, कांग्रेस आओगी भाई, बतेरा टाइम हो गया है। कांग्रेस की, कांग्रेस की, कांग्रेस। इस वक्त चरखी दादरी जिले में हूँ और चरखी दादरी का ये बस अड्डा है और यहाँ से आपको इधर उधर की बसें भी मिलेंगी, वहाँ के लोग भी मिलेंगे, उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या मूड है, वो किसकी सरकार यहाँ पर देखना चाहते हैं। आइए, किसकी सरकार देखना चाहो अगली बार, के मूड है चुनाव का? देखो ज़्यादा से ज़्यादा पावर के हैं, देखा गए से सोचा ईद का भी सोचने का टाइम दे, थोड़ा आ रहे हैं आए जाओ। बढ़िया सरकार किसकी लगी हो तो बताओ, काम काज ठीक लगी? सरकार बहुत ही बढ़िया है, ठीक से भाई, कोशिश आ जावा ठीक से, ठीक अपने बनाए थे एक लगे सरकार कोशिश बनाए को नहीं, कोशिश आ जाएगी उस समय ठीक से अभी तो भाई। पत्ते तो खोल दो है? पत्ते नहीं खोल रहा चाचा, ना पत्ता के पत्ता खोलना होता बढ़िया, सारी सरकार बढ़िया है। ना डर कहाँ है ये भाई, अपने गेर की जा डर ने, अपने कमाई कहाँ है, डर के शौक ने। राम राम, राम राम। के ब्यो देव गए, किसकी बनाओगे सरकार? मेरे हिसाब से कांग्रेस की बननी चाहिए सरकार। क्या कारण है? जाट समुदाय जो है कि बीजेपी को नहीं चाहते, ठीक है, इसलिए। कौन सा समुदाय? जाट समुदाय। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसलिए मतलब कांग्रेस की सरकार। आप जाट हैं? ना दाड़ा चूक। अच्छा, फिर आपकी क्या है? वो तो चलो जाट जाट देख है? आपकी क्या है? जाटों के साथ मतलब हर एक आदमी का लिंक होता है, तो इसलिए कि ना कांग्रेस के वोट लुवाएंगे वह। कोई काम कौन अलग अलग सरकार काम करे हैं? नहीं काम करे हैं ठीक है, पर लेकिन लोग बात बेवकूफ बना रखे हैं उसमें, मतलब कोई कागज क्या है का, कदे क्या है का, कदे कोर्ट में है, पोर्टल की बात करें ऑनलाइन की। हाँ हाँ, ऑनलाइन में क्या है, कोर्ट में हंडी जाओ काम किस आगे बढ़ाए, कौन सब दिन लाग गया उस दिन ही, फिर अगले दिन लाग गया। हाँ अच्छा, फिर बटन की बटन बटन 99% कांग्रेस की सरकार आने की, 1% में बीजेपी। अच्छा चलो दोस्तों, यही अच्छा क्या मूड लग रहा है आप यूथ हैं? मूड तो यहाँ पर कांग्रेस का बिल्कुल एक तरफा, कांग्रेस की तरफ जाए। हाँ, मनीषा सांगवान की टिकट है। अच्छा, क्या वजह है अभी? वजह ये है बीजेपी ने कोई काम नहीं करवाया है। अच्छा, और जो सतपाल है उसका कोई मतलब प्रभाव को नहीं एरिया में, वो जल्द बदलदार है। हाँ, तो ना उसने कभी कोई काम करवाया। मनीषा सांगवान पढ़ी लिखी कैंडिडेट है, बढ़िया कैंडिडेट है, साफ छवि है, और कम से कम 10,000+ लीड पे जीते। अच्छा, क्या करते हो? जी मैं कॉलेज कर रहा हूँ बीए। अच्छा, वोट बढ़ गई आपकी? हाँ जी वोट बढ़ गई। कब डाली थी पहले? जी अभी तो अब की बार डालूंगा, पहली बार डालूंगा। हाँ तो क्या लग रहा है कि क्या दिमाग में है, किसकी डालेंगे आप, कैसी सरकार देखना चाहते हैं? जी सरकार तो कैसी आ जाओ, तब काम करवाएगी तभी ना। तो फिर भी कंपैरिजन तो होता है, देखो बीजेपी है, इनेलो है, आप है, कांग्रेस है, बीजेपी है। अब की बार देखा जाए तो ज़्यादा दबदबा बीजेपी उसका चल रहा है, कांग्रेस का, कांग्रेस का चल रहा है। ठीक है जी, ठीक। आंटी राम राम। राम राम। किसकी सरकार देखना चाह रहे हो अब की बार? अरे भाई सरकार तो देखा है, कोई मामला गरीबी का तौर तो दिखा है और लुट्टा खाओ तो सही सारे। अच्छा काम बने के मैं बीजेपी वाले कहते हैं कि मैं ना बने। अच्छा के बने वो कह रहे हैं भाई गरीबों के लिए तो बहुत काम करवा दी, के कर दिया धक्का मारे है, के करे है कि मैं ना करे है। अच्छा हाँ, क्या करे?
दिक्कत सारी है, के से के करे आप गरीब गरीबों को अनाज दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हो, 2 किलो तेल दे रहे हो, बदले तुम बदले हो, हम तो को बराने तो बस तो नरे नहीं नहीं झगड़न झगड़न तो ये चीजें हम तो को ये चीजें तो बस तो कोनी कोनी आप मेरे से बात करो आंटी मेरे से, अरे आंटी मेरे से ये चीजें मिल रही है क्या? ना कोनी मिल रही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो है कांग्रेस से उम्मीद है, वो ये कह रहे हैं भी आपको सिलेंडर दे देंगे, 2100 दे देंगे, बहुत सारी पॉलिसी है, कितने ना दे रहे नु इतना कह कह के चले जा देने का वोट को नहीं। ठीक ठीक ठीक, इनु कर ना तो मैं भी कह दू, तू भी कह जा, यो कर दूंगा, करा तो कोनी फिर हां बाद में धक्के दे दे। अंकल क्या मूड लग रहा है आपकी बात इसमें? कांग्रेस का है भाई, कांग्रेस का है। हाँ। क्या वजह है वो? वजह इनसे 10 साल देख ले, इन्होंने कोई काम किया ही नहीं, बेरोजगारी कर दी, किसान मार दिए, नौकरी पेशा वाले मार दिए, दुकानदार तो है ही, तो ये दिक्कत। हाँ। क्या लग रहा है? कांग्रेस का भाई, कांग्रेस का है। हाँ। कांग्रेस काम करती है। हाँ, इसीलिए कांग्रेस का वोट देंगे कांग्रेस का। ये 10 साल बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, डबल से भी ट्रिपल, करप्शन जो नहीं करते ना, ना खर्चे ना पड़ती, पहले जो फालतू तो वो कर दिया करप्शन ही। अच्छा, बिल्कुल। नमस्ते अंकल, यहीं से हो? यहीं से हो क्या? हाँ बोलो। क्या लग रहा है मोदी का, किसकी सरकार बनती दिख रही? सरकारी तो भाई दोनों बराबर की टक्कर है, बराबर की टक्कर। हाँ, फिर भी थोड़ा 21-19 के में लगे किसी का? 19 के कुछ नहीं लगेगा, कति बराबर कोई कति पता नहीं है, तुल रहा काटा तुल रहा है। अच्छा। हाँ, आपका हल्का कौन सा है? ये दादरी है। दादरी है। हाँ, तो यहाँ पे कैंडिडेट कौन सा मजबूत लग रहा है? सतपाल मजबूत लग रहा है, सतपाल लग रहा है, बीजेपी के जो सुनील उसका सुनील। हाँ हाँ जी, कांग्रेस की सरकार सही लगे? कांग्रेस की सरकार बीजेपी का बढ़िया। हाँ जी भाई साहब, किसकी बनने जा रही है आपकी बार हरियाणा में, देखना चाह रहे हैं? हरियाणा में कांग्रेस आ जाए तो सही है भाई साहब, कांग्रेस तो बीजेपी तो देख लिया, घना देख लिया। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी, कैसे हो? ठीक है जी। क्या करवाओगे दादरी वाले आपकी बार चुनाव में? चुनाव में देखो जी, मारगा मत पड़ा नहीं, मारगा मत वोट हूँ को नहीं। क्या रमलवास में? क्यों जी बहिष्कार कर रखो? क्यों बहिष्कार कर अभी? वो पहाड़ का धरना खातर। अच्छा अच्छा। हाँ, काम ही नहीं, दिक्कत रही इसमें? हाँ दिक्कत हो रही, नहीं करवाया काम जी, वो पहाड़ में पानी का डला रहा, ठेकेदार मान नहीं रहा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, इस वजह से नाराजगी है सरकार से? वो सरकार से जो है बात है, वो मान नहीं डालेंगे आप? नहीं जी, बहिष्कार है जी। वैसे क्या लग रहा है हरियाणा में, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? वो तो जी देखो किसकी बना, लेकिन आप वोट नहीं डालेंगे? हमारे गांव में वोट नहीं डालेंगे भाई जी। क्या मूड है? मूड तो ऐसा है भाई साहब, जैसे कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी में। अच्छा। किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया था, जैसे कि जो सीटी मुद्दा है ना, यो भयंकर है, इन मड़ी सी भी बात नहीं मानी बच्चे की, भाई डीसी तक भी ज्ञापन सौंप के देख लिया, और एमएलए तक भी सौंप के देख लिया, और खुद सीएम के थ्रू भी ज्ञापन सौंप के देख लिया, लेकिन सीएम साहब ने जो उस मनोहर लाल था, उसने कुछ भी नहीं किया इन बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये आप बताओ, 13 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम फार्म भरया था उस टाइम पे, और 11 लाख कैंडिडेट ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करे, 2 लाख तो वहीं टूट गए, और 11 लाख से फिर 7.5 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए, 7.5 लाख में से कम 3.5 लाख बच्चे क्वालिफाई कर गए, तो इसका मतलब लगभग ये है कि 10 लाख कैंडिडेट ऐसे है हरियाणा के अंदर, 5 साल हो गए बिल्कुल उन लोगों ने नहीं देखी, अरे कम से कम क्वालिफाई है बच्चे, इन्हें तो मौका दे दो, बस ये सबसे भयंकर बीमारी इसकी। हाँ, सीटी का मुद्दा, अगर सीटी का मुद्दा अच्छा रहा ना इनका, तो मैं गारंटी दूँ हरियाणा में इन्हें कोई हटानिया भी को नहीं, अगर सिर्फ ये क्वालिफाई करो वो अपन कोई टेंशन को नहीं, चाहे 40% अब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टाइम था तब क्या कर दिया फिर इन लोगों ने। हाँ, ये बिल्कुल नाराज़गी है बच्चों में। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया था भाई, सीटी बच्चे ने बार बार रिपीट करी भाई, कोर्ट के थ्रू भी करी, और चेयरमैन के साहब के भी थ्रू करी, और भाई एमएलए एमपी जो भी है मान ले, बिल्कुल साफ तरीका तक कह दिया
उम्मीद किससे, कौन से कर सकती पार्टी? देखो उम्मीद तो ये है बच्चे के लिए, आज भी मैं तो ये कहूँ भाई बीजेपी सरकार ठीक है, अब ये नहीं कहते उसका विरोध कराना, विरोध नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँ या तो आप क्वालिफाई कर दो उसने, या फिर आप वन बाई एग्ज़ाम ले लो, भाई बच्चों का तो है ये रिस्पॉन्स, और बाकी जनता का है वो तो भैया अपने खुद देखो, मैं तो एक स्टूडेंट लाइफ में ये बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ बोल भाई। ये भी तलाक ही पड़े हरियाणा में, इसी सरकार बनेगी हरियाणा में पार्टी, कोई सरकार नहीं बनेगी। अच्छा। ये निर्दलीय ये मिलकर बनाओगे। अच्छा। पाँच चार सीट बीजेपी ना या कांग्रेस ऊपर रह सकते नहीं बराबर था। अच्छा। तो कांग्रेस के साथ आपको लगता है कि निर्दलीय चले जाएंगे? भाई निर्दलीय तो मौके की बात देखेंगे, जिसका सूत्र जीत बैठा है उड़ जाएंगे। अच्छा। और निर्दलीय को कांग्रेस के साथ, अगर सरकार कांग्रेस की नहीं बनाएगी तो फिर बीजेपी बनाओगी सरकार निर्दलीय मिला के। हाँ तो ये भी हम देखते हैं, सरकार किसकी बनाएगी? भाई कांग्रेस की बननी चाहिए, कांग्रेस की बननी चाहिए। क्या बात, मत के बीजेपी तो दिक्कत है, हैं बेरो को नहीं भाई, दिक्कत क्यों है, सारी दिक्कत करा के है, दिक्कत है। अच्छा ये क्या दिक्कत आई भाई, ना तुम बोलते था हमें अनपढ़ का दिक्कत है सारी, ये किमी को नहीं हुई है भाई। हाँ भाई ये भी हम दिखा के, एक तरफी कांग्रेस है भाई, एक तरफी कांग्रेस है। हाँ भाई कांग्रेस आओगी भाई, बतेरा टाइम हो लिया है, +8+। हाँ अंकल जी राम राम। क्या लो कौन है फोन कौन है मिल रही है? बोलो बोलो क्या लग रहा है, किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं भाई? हम तो बीजेपी के आदमी, बीजेपी के आदमी। आदमी कैसे बनते हैं समझ में नहीं आई बात, वोट उसको दें आदमी, इसलिए आदमी। तो कभी शुरू से बीजेपी को डालते हैं वो? ना पहले थे, पहले थे बंसराज के टाइम में थे, अब तो बीजेपी की शुरू। हाँ भाई कांग्रेस की, कांग्रेस की क्या क्या वजह है? जो बीजेपी है गरीबों के लिए काम वाम किया कि नहीं किया? वो सब नाटक, कोई काम करता है नहीं, काम नहीं करता, लड़ाई बहुत करवाता है हिंदू मुसलमान सब में। अच्छा ये वजह, और गरीबों के लिए कुछ काम वाम करते हैं, नौकरी वोकरी का कुछ नहीं ना, कुछ नहीं किया। क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव का बढ़िया लग रहा है। किसकी तरफ जाएंगे हैं? किस तरफ जा रहा है? कांग्रेस, कांग्रेस की तरफ। बीजेपी, बीजेपी।